हमारे मोदी नगर से हरेंद्र शर्मा जी को संभावित प्रत्याशी के रूप में आम आदमी पार्टी ने प्रभारी बनाया है। मुरादनगर से महेश त्यागी जी को संभावित प्रत्याशी के तौर पर प्रभारी बनाया हुआ है। मैं एक, या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रदेश प्रभारी माननीय राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने मुझे यहां पर जिला का प्रभार देकर भेजा हुआ है, और इस आशा और भरोसे के साथ कि आगामी विधानसभा का चुनाव हम लोग दमखम के साथ गाजियाबाद में सभी सीटों पर विजयी होकर आए। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष भाई चेतन त्यागी जी आपके बीच में अपनी बात रखें। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं चेतन त्यागी, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी गाजियाबाद। आज हमारे बीच में जिले के प्रभारी विवेक सिंह गुर्जर जी उपस्थित हैं, जिनको पार्टी ने आगामी विधानसभा की गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद जिले का प्रभारी नियुक्त करके भेजा है, ताकि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में पार्टी पूरे दमखम के साथ अपना पक्ष जनता के बीच में रख सके। इसी क्रम में अब तक आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश 170 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर चुकी है। गाजियाबाद जिले में 5 विधानसभाओं में से 4 विधानसभाओं पर नाम घोषित किए गए हैं, जिसमें मोदीनगर से हरेंद्र शर्मा जी, मुरादनगर से महेश त्यागी जी, लौनी से डॉक्टर सचिन शर्मा जी और शाहीबाद से छवि यादव जी। पूरे दमखम के साथ सभी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर भी रहे हैं। चुनाव प्रचार और चुनाव को देखते हुए ही संगठन समीक्षा बैठक का भी आज आयोजन किया गया है। साथ साथ आगे आने वाले जो चुनाव हैं विधानसभा के, उनके लिए भी विशेष तौर पर रणनीति तैयार करके और जनता के बीच में जाने का लक्ष्य हमने बनाया है। निश्चित ही जनता जिस उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है, दिल्ली की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में काम किए हैं, और पिछले विगत 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी भूमिका निभा रही है, प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी जिस तरह से जन मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता के हक की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता उम्मीद भरी निगाहों से आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है। निश्चित ही आने वाले विधानसभा चुनाव में हम विजय श्री हासिल करेंगे। कितनी सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? सभी 403 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। अभी मैंने बताया भी आपको कि 170 पर हम घोषित भी कर चुके हैं, बाकी आगे जो प्रक्रिया है वो चालू है, तो जल्द ही हम सभी विधानसभाओं पे जो है चुनावी जो मुद्दा है, एजेंडा है, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो दिल्ली के मॉडल पे चुनाव लड़ा जाएगा, और दिल्ली का जो मॉडल जो हम करके दिखा चुके हैं वो मॉडल हमारा है। सबसे पहले जो हमारी अभी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने घोषणा की है कि हम लोग 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, इसके साथ साथ किसानों को बिजली मुफ्त मिलेगी, साथ साथ जितने भी पुराने बिल हैं वो सब रुके हुए बिल हैं, जिन पर कोई विवाद है वो सब माफ़ किए जाएंगे। इन सब के बावजूद ये शंका भी हम मिटाने का काम कर रहे हैं कि इन सबको देने के बाद भी हम 24 घंटे उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली देने का वादा कर रहे हैं, और ये वादा इसलिए हमारी गारंटी है कि हम दिल्ली के अंदर इस काम को कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये मुद्दे जनता को छुएंगे, और किसानों की जो हालत आज बिजली के बिलों को लेकर है, किसानों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये बिजली का, उसको लेकर गांव-गांव जाने का काम आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है, जिसकी पूरी तैयारी प्रत्याशियों के साथ हो गई है। एक लंबी बातचीत के बाद हर जगह कोऑर्डिनेटर पहुंच चुके हैं, और गांव-गांव तक हम अपने मिशन में बिजली के मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। ये घोषणाएं एक प्राथमिक घोषणा है, आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम और बेरोजगारी के मुद्दे पर और जनता के अलग अलग मुद्दों पर, जिनसे जनता त्रस्त है उत्तर प्रदेश की, उन सब पर भी नई नई गारंटी घोषणाएं देंगे, और वो घोषणाएं नहीं होंगी, वो उसे जनता को उसको धरातल पर उतारने का काम आम आदमी पार्टी सप्ताह आने के 24 घंटे के अंदर जो वादे करेगी उनको पूरा करने का काम करेगी।
दिल्ली में देखा गया वर्षा जल भराव की स्थिति काफी नाजुक है और यूपी में भी ऐसा ही हाल है क्योंकि सड़कों के भी बहुत बुरे हाल है। आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के एयरपोर्ट आपने देखा दिल्ली के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में सरकार हमारी है लेकिन एमसीडी पर तीनों एमसीडी पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी का है और दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा अगर कोई है तो वो एमसीडी है और उसकी वजह से ये सारा कुछ चल रहा है। और अभी अप्रैल के चुनाव के बाद आप देखेंगे दिल्ली की जनता ने जो भरपूर समर्थन विधानसभा में आम आदमी पार्टी को दिया है वो समर्थन एमसीडी में होगा। और आप देखिए जिस जगह पर आम आदमी पार्टी ने काम किया जैसे मेट्रो विस्फेता हम लोग उसको प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं जल भराव की वहाँ समस्याएं खत्म हुई हैं। हम जमीनी मुद्दों पर काम करने वाले लोग हैं और जो काम अरविंद जी के हाथ में है जो काम दिल्ली सरकार के मंत्रियों के हाथ में है उनको हम तत्काल निराकरण का काम कर रहे हैं। और जो एमसीडी का जो भ्रष्टाचार है ये आप अप्रैल के बाद देखेंगे वो समाप्त होगा और दिल्ली की जनता को जल भराव से निजात मिलेगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के योगी जी के खुद के आदेश के बाद कि 5 अक्टूबर तक ये सारे गड्ढे भर जाने चाहिए आप परिस्थितियां देख रहे हैं कहीं भी पैचिंग का काम भी शुरू नहीं हुआ है। मैं भी आज जिस रास्ते से गुजर रहा हूँ उन सब रास्तों पर गड्ढों का बहुत बुरा हाल है गाड़ी की स्पीड 40-45 से ऊपर नहीं जा पा रही है। तो जो उनका कहना और हमारे कहने में बड़ा अंतर है योगी जी का कहना हवा हवाई है और आम आदमी पार्टी का जो काम है वो गारंटी के साथ है और जो काम कहा है वो हम करके दिखाएंगे। दिल्ली की सड़कों पर जो काम हो रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर जहाँ पे जो अंदर की सड़कें देखेंगे आप जो जितना भी काम पीडब्ल्यूडी के पास दिल्ली की सरकार के पास है वो बरसात में थोड़े दिन में खत्म हुआ है तत्काल वो समाप्त हो जाएगा सब काम। नहीं बरसात के अंदर जो बहुत अंदर की गलियां उन सब पे काम चल रहा है। जल्द सर ये कहेगा आपको मतलब अपने आप को नहीं बचा सकते 3 बार के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में। हाँ जी हाँ जी तो भ्रष्टाचार भी आप ही की सरकार है वहाँ पे क्यों नहीं रोक लगाई जा ये दिल्ली में भ्रष्टाचार की जहाँ शिकायत है दिल्ली की सरकार में जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के ऊपर आप शिकायत कीजिए और तत्काल देखिए भ्रष्टाचार की कहाँ मैंने बात की दिल्ली के अंदर जीरो टॉलरेंस है दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार की अगर आप एक शिकायत करते हैं उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। और ये एग्जाम्पल हमने दिया कि मंत्री की शिकायत करने के बाद बिना उसको बताए हुए अरविंद जी ने उसको बिना उसकी जानकारी के उसको मंत्रिमंडल से निकाला ये उदाहरण केवल आम आदमी पार्टी के अंदर है भ्रष्टाचार का। आम आदमी पार्टी के आज तक दिल्ली सरकार के विधायकों को बार बार जेल भेजने का काम इस केंद्र सरकार के माध्यम से किया गया लेकिन उसके बाद भी आज तक एक भी भ्रष्टाचार का मामला या किसी और मामला जिसमें उन्हें फंसाया गया वो भी साबित नहीं हो पाया। अरविंद जी तक के ऊपर सीबीआई ने उनके ऑफिस पे घर पर रेड की मनीष जी के ऊपर अभी पंकज गुप्ता जी को टारगेट किया गया है। तो ये सब चीजें दिल्ली के अंदर चलती रहती है और दिल्ली का कोई भी विधायक और मंत्री इस बात को गारंटी के साथ कह सकता है कि वहां पर भ्रष्टाचार किसी मंत्री के ऊपर या विधायक के ऊपर कोई भी आरोप है नहीं और जो है उनकी जांच हो चुकी है और उनमें सब में किसी में भी सत्यता नहीं पाई गई। अच्छा आप पार्टी की मतलब जितने भी जिनको भी टिकट दी गई है उसका क्या उनका वो देखा गया है? आम आदमी पार्टी ने हर तबके को देखा है और आम आदमी पार्टी ने बिना जाति धर्म को देखे हुए इस टिकट का वितरण किया है। इसमें डॉक्टर्स भी हैं इंजीनियर्स भी हैं जो लोग राजनीति खाटी राजनीति कर रहे हैं वो लोग भी हैं जो लोग पढ़ा लिखा तबका है वो भी शामिल है किसान भी शामिल है। और शुल्क है बिल्कुल निशुल्क है पार्टी के ने आवेदन मांगे हैं। जिनको आपने टिकट दिया क्या उनकी जांच हुई है क्या है उनकी जांच? अधिकतर की जांच हुई है बहुतों की जांच चल रही है इसीलिए सब संभावित प्रत्याशी हैं। अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है कोई संलिप्तता किसी भी जो हमारे पैरामीटर है करेक्टर के ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड के ऊपर इन सब के ऊपर अगर कोई ऐसा काम मिलता है तो उसकी जो जो उम्मीदवार है वो घेरे में आ जाएगी और उसको अपन अच्छा 10 महीने हो चुके हैं किसानों को धरना देते हुए आप भी जानते हैं किसानों के मुद्दे को आप कहाँ तक सही मानते हैं? किसानों के मुद्दे के साथ आम आदमी पार्टी पहले दिन से है जिस दिन से मांडे टिकैत जी के साथ पुलिस ने बदसलूकी की उस दिन के बाद तत्काल अरविंद जी ने उसकी व्यवस्था कराई। दिल्ली के तमाम विधायक और मंत्रियों ने वहां जाकर उनके लिए जो सुलभ जो सुविधाएं जन सुविधाएं थी वो उपलब्ध कराई। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसान आंदोलन के साथ खड़ा हुआ है। कल के भारत बंद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और किसानों का समर्थन करेंगे। अच्छा सर एक क्वेश्चन आपकी ये है कि छवि यादव को आपने यहाँ पे प्रत्याशी घोषित किया जी वो आप क्यों नहीं आते हैं? ऐसा कुछ नहीं है आज आज भी सुबह उनके पास सूचना थी और लगातार मीटिंग होने की वजह से
वो नहीं आएंगे, आप कहें तो जिस दिन कहेंगे आप उनके साथ भाई यही गाजियाबाद में मीटिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रत्याशियों में और संगठन में कोई अंतर किसी तरह का डिफरेंस नहीं, मौका नहीं है ना आने का है जी, अभी तो मौके था आने का नहीं, मौका आज आज प्रभारी को आना था और उनके साथ में ये जो मीटिंग आज हो रही है ये दो दिन पहले मीटिंग थी। मेरा नाम विकास शर्मा है, मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ। सर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता को संदेश देने के लिए ही आम आदमी पार्टी आज चुनाव में उतरी है। जिन लोगों ने दिल्ली में कहा कि वो चुनाव लड़के देखिए, हम लोगों ने दिल्ली में करके दिखाया। आज आम आदमी पार्टी आशा भरी नजरों से पूरे देश के लोग आम आदमी पार्टी के कामों को देख रहे हैं, देश नहीं बल्कि विदेश तक इसकी चर्चा हो रही है। उन कामों को, उन सपनों को जो एक भारत का नागरिक देखता है, उनको साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जिस आशा और उम्मीद के साथ देख रही है, हम लोग इस चुनाव में जा रहे हैं। जो उनके मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे हैं, जैसे बिजली का मुद्दा है, किसानी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, उन तमाम सारे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ और टाइम फ्रेम से काम करेगी। इन सब बातों को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव के अंदर जा रही है। मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं पार्टी में प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और इस चुनाव के अंदर भी बुलंदशहर से विधानसभा का एक प्रत्याशी हूँ।